एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और सिर्फ 119 दिन बाकी रह गए हैं हरियाणा में नई सरकार बनने में, और लगातार घड़ी की हर एक सुई जिस तरह घूम रही है, घूम रहे हैं तमाम मुद्दे भी प्रदेश के अंदर। उनमें से एक मुद्दा ऐसा है जो इन दिनों हर किसी की जबान पर है, गरमाया हुआ है, वो है अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का झंडा बुलंद करने वाले जगदीश सिंह झंडा और दीदार सिंह नलवी बुधवार को अकाल तख्त के सामने पेश नहीं हुए। दोनों को अकाल तख्त ने बुधवार को पेश होने का आदेश सुनाया था। दोनों सिख नेताओं ने आज कुरुक्षेत्र में फैक्स भेजकर अकाल तख्त से थोड़ा और वक्त दिए जाने की मांग की है, तो वहीं एसजीपीसी ने इसे अकाल तख्त का अपमान बताया है। हरियाणा में अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने की मांग कर रहे जगदीश सिंह झंडा और दीदार सिंह नलवी बुधवार को अमृतसर स्थित अकाल तख्त के सामने पेश नहीं हुए। दोनों नेताओं ने बुधवार को कुरुक्षेत्र में बैठक की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने अमृतसर अकाल तख्त के पास फैक्स भेजकर आगे का वक्त मांगा है। साथ ही ये भी प्रार्थना की है कि उन्हें बुलाए जाने का विषय भी बताया जाए, ताकि वो अपनी तैयारी के साथ आ सकें और अकाल तख्त का वक्त भी बर्बाद ना हो। जो अभी मैंने वहाँ रिपीट किया था, मैंने यही लिखा है कि अकाल तख्त साहब जी का आदेश आया है, उसमें पंथक विचार करने के लिए हमें बुलाया है, लेकिन हमें एजेंडा नहीं दिया गया। शायद अकाल तख्त के सेक्रेटरीट से कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हमने निम्रता सहित निवेदन किया है कि कृपया आप जिन मुद्दों पर हमसे कुछ विचार वटांदरा करने चाहते हैं, उनका जिक्र कृपा पूर्वक कर दीजिए, ताकि हम उनको सिख इतिहास, सिख परंपरा, सिख धर्म की रोशनी में हम उनको समझकर उसके लिए तैयार होकर आ सकें, ताकि अकाल तख्त साहिब का जो कीमती समय है वो नष्ट ना हो। उधर अकाल तख्त के सामने पेश न होने को लेकर एसजीपीसी के सदस्य हरभजन सिंह मसाना ने इसको लेकर दोनों सिख नेताओं पर कड़ा हमला बोला है। मसाना ने इसे अकाल तख्त का अपमान बताया है। साथ ही कहा कि जो सिख अकाल तख्त का आदेश न मानते हो, वो भला अलग से कमेटी क्या चलाएंगे और कैसे सिखों का भला कर पाएंगे। ऐसा नलवी साहब ने अकाल तख्त बुलाया गया थी और वो उठे नहीं गए, ये उन्हों का अपना विचार है और अकाल तख्त की जी है इस हिसाब न तोहीन होंगी है, और उन्होंने इस मुद्दे से अकाल तख्त हाजिर होना चाहिए सी, और जो भी पंथक विचार सी वो करनिया चाहिए सी, सुनिया चाहिए सी। एक बड़ा मंदभागा फैसला उन्हों का कि उत्थे अकाल तख्त हाजिर नहीं हो। जो अकाल तख्त साहब की कदर नहीं कर रहे, जो सिखों की कदर क्या करेंगे? बिल्कुल, जिहड़ा बंदा जे अपने इतिहास तो सिख इतिहास तो जाणू हुंदे होया भी अकाल तख्त तो मुनकर हुंदा है, वो सिख संगत की की सेवा कर सकता है, ये सारे जानते हैं। और असी तो यही कहांगे कि कोई भी सिख है जो अकाल तख्त का तलब किया जाता है तो उन्होंने उत्थे हाजिर होना चाहिए। अकाल तख्त के सामने पेश ना हो, झंडा और नलवी ने अपने विरोधियों को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। ऐसे में दोनों गुटों में अब जुबानी जंग और तेज हो सकती है। वही देखने वाली बात अब ये भी होगी कि अब दोनों सिख नेताओं को अकाल तख्त की तरफ से कब का वक्त मिल पाता है, और पेश न होने पर अकाल तख्त दोनों पर क्या कार्रवाई करता है। कुरुक्षेत्र से टोटल न्यूज के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट। चलिए, हमले भी तेज हो गए हैं, बयानबाजी भी तेज हो गई है। जवाहर साहब, आपके पास भी आऊंगी और तेजेंद्र पाल सिंह आपसे सवाल लूंगी, लेकिन पहले चलते हैं हिसार का, जहां से कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मवीर गोयत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर साहब, 5 साल लग गए आपको इस मुद्दे को फाइनल राउंड की टेबल पर लाने में। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मुद्दा 66 में सुलझाया जाना चाहिए था, जब दो प्रदेश अलग अलग हो गए धारा 72 के तहत, उसी टाइम उसमें विलंब नहीं होना चाहिए था, बगैर किसी शिकायत के उसी टाइम बढ़ा देना चाहिए था इसको, मेरा इसमें ये कहना है। क्योंकि अब वो प्रदेश अलग है, हरियाणा अलग है, हरियाणा जब जैसा कि आप देखिए दिल्ली की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, और जम्मू कश्मीर की अलग है, पटना की अलग है, तो हरियाणा क्यों नहीं? जब दो प्रदेशों का बंटवारा हो गया और रेशो बना दी 60-40 के तहत बंटवारा हो गया, तो फिर क्यों नहीं?
अलग से 66 में बना देना चाहिए था इनको, क्योंकि हरियाणा का बजट पंजाब में लगे वो भी शोभा नहीं देता। अब सारा पैसा जो पैसा आता है, जो प्रॉपर्टी है, कॉलेज है, वो है, दूसरी संस्थाएं हैं, पैसा पंजाब में लगता है। हम इसको, क्योंकि ये धार्मिक मामला है, हम इसको ज्यादा तुल नहीं देना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा के सिखों की भावनाओं को देखते हुए जल्द से जल्द अलग एसजीपीसी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जवाहर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मुझे ताज्जुब होता है कांग्रेस की सोच पर, जिन्होंने आज तक केवल विघटनकारी कार्य किए, आज उनके प्रदेश के प्रवक्ता, कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं, प्रवक्ता जो ऑफिशियल मत देता है, वो क्या कह रहा है कि ये 1966 में बन जाना चाहिए था। अरे शासन किसका था, बनाना किसने था? आप केवल ये धर्म को विभाजित करने का काम 1947 हो, 1966 हो, केवल ये पार्टी ऐसी है जो केवल धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाती है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस भारत में कोई घोर सांप्रदायिक पार्टी है वो कांग्रेस है, परंतु आज हम कांग्रेस पर चर्चा नहीं करें, इसलिए मैं इस पॉइंट से अलग आता हूं। आज ये कह रहे हैं कि मैं भूल जाता हूं कि आपने कब का 1966 भूल जाइए, 2005 के चुनावी घोषणा पत्र में तो आप कहते हैं कि आप यहां के सिख समुदाय को बांटने का कार्य करेंगे, परंतु आज अंतिम समय में केवल वोटों के फायदे के लिए एक विशुद्ध रूप से छोटा काम करने जा रहे हो कि आप एक सिख समुदाय की जो इकट्ठा रहने की परंपरा है, जो भाईचारे की परंपरा है, आप उसको भी आज बांटना चाहते हो, और वो भी कब? आज 9 साल 8 महीने आपको हो गए, जब सरकार से आपकी विदाई की तैयारी कर चुका है हरियाणा की जनता, तब आप कहते हैं कि आप ये विषय देंगे। आज कौन मांग रहा है इस चीज को? क्या हरियाणा के सिख समुदाय के लोग ऐसा चाहते हैं? हरियाणा के सिख समुदाय के लोग, आज यहां 11 लोग चुने जाते हैं हरियाणा में से, उनमें से 10 लोग, सबको अधिकार है, 10 के 10 लोग, और इवन जो अंबाला से पाली जी चुने गए थे, जो कि यहां बैठे हैं, सरना ग्रुप के व्यक्ति माने जाते हैं, वो भी वहां जाकर सुखबीर बादल जी और मक्कर जी को कहते हैं हम आपके साथ हैं, वो भी बंटवारा नहीं चाहते हैं। हरियाणा का बहुसंख्यक सिख समुदाय बंटवारा नहीं चाहता, तो फिर बाकी लोग कौन है जो अन्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? केवल आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हर समुदाय को बांटना चाहते हैं। जिस दिन हरियाणा का सिख समुदाय कहेगा हमें कोई आपत्ति नहीं, हरियाणा के 11 लोग हैं जो निर्वाचित लोग हैं, जो केसधारी भाई है, उनमें से 11 के 11 लोगों ने यह कहा कि हमारी आस्था अमृतसर में है, हमारी आस्था वहीं पर, हम किसी तरह का विभाजन नहीं चाहते। परंतु व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती है, मेरे जो साथी बैठे हैं अगर उनकी इच्छा है तो मैं उसके प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, उनकी इच्छा हो सकती है, परंतु जहां तक हरियाणा का बहुसंख्यक सिख समुदाय है वो इस बंटवारे के विरोध में है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी दो भाइयों को आपस में बांटने का विरोध करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की राजनीति कभी नहीं। मैं एक बात इसमें कहनी चाहूंगा जी, के सिखों की 1947 से लेकर एसजीपीसी तो 1925 से बनी हुई है जी, और उस समय तो देश अभी आजाद भी नहीं हुआ था, और मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस समय से लेकर आज तक हमारी मांग है कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाया जाए जी, और दो बार, और अब भी जो बादल साहब की दिल्ली में और बीजेपी की कॉमन सरकार मानी जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर कांग्रेस वाले लोग जो है वो हरियाणा में गलती कर रहे हैं तो आप कृपा करके ऐसा करिए कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट हमारा बना दीजिए, हमारे को कोई आपत्ति ही ना हो जी। बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट में आखिर क्या इतराज है। इसमें एक बात और मैं जोड़नी चाहूंगा, ये निरोल धार्मिक इशू है, इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, मगर जो जिन लोगों ने काम करना वो तो पॉलिटिकल लोग हैं, वो धार्मिक नहीं है। और जब भी ये काम होगा हमारा, चाहे ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनेगा, चाहे एसजीपीसी बनी थी, और ये एससीपीसी जब बनी थी तो वो भी तो पॉलिटिकल लोगों ने बनाई थी, इसलिए किसी खास पार्टी को एलिगेशन देना ये उचित बात जी। बहुत आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे फिलहाल एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, ब्रेक लेना जरूरी है इस समय, और इस पर इस खास बातचीत को इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे।